बैठे भैया, सोचे यहाँ पे बैठ के थोड़ा ये कर ले अपना स्टेटस दे दे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। मतलब अपने फ़ोन में तो दिखा रहा है कि वाईफाई कनेक्टेड है इस फ़ोन से, लेकिन इस फ़ोन में इंटरनेट ही नहीं है भैया। भाई बगल में देखो कौन खड़ा है, डिफेंडर, वो भी पीपीएफ किया हुआ। ठीक है, पीपीएफ किया हुआ है इसमें। सामने एक स्कॉर्पियो जा रहा है भाई, उड़ाते हुए धूल, ऐसा लग रहा है मेरे सामने तूफान चल रहा है भाई, तूफान। वैसे बारिश हो रहा है तेज, और ये भाई चला रहा है 140-160 में, हम जा रहे थे 120 में, मेरा आ गया 80-90-100 पे। क्या स्वागत किया है भगवान ने अपन को, मतलब अपने को। हम सिटी घुस रहे हैं और बारिश चालू। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 ऐसा कुछ बज रहा है। तो दादा भी रेडी हो चुका है, मतलब रेडी होने के लिए गया है नहाने के लिए, हम भी नहाने के लिए जाएंगे। इन द मीन टाइम हम पानी पी लेते, गर्म पानी, ताकि ये जो है ना खाली हो जाए। तो यहाँ का जो व्यू है ना सुबह सुबह, मैं 0.5 में दिखा रहा हूँ, ये 2x में देखिए। अरे क्या नज़ारा है भाई, घर के छत से अगर ऐसा व्यू मिले तो उससे बेहतर कौन सा होटल हो सकता है, आप बोलिए। आज का जो प्लान है, दोनों रेडी हो जाएंगे, रेडी होके भैया जाएगा ऑफिस, क्योंकि वो है टाटा में, तो टाटा तो यहाँ का सब कुछ है, तो टाटा में चले जाएंगे। और हम जाएंगे, मेरा एक खुद का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत 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 इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसको करने के लिए जाएंगे हम। एंड वो करने के बाद हम दोनों फिर मिलेंगे, मिलके लंच करेंगे, लंच करके भैया ऑफिस बैक, हम जाएंगे घर बैक कोलकाता में, क्योंकि कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है, मेरे को ऑफिस जाना है, प्लस अपने स्टूडियो में बहुत सारा गाड़ी आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा खटना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम जाते हैं नहाने। आप लोग ये व्यू को एंजॉय करिए एक बार, देख रहे हैं क्या नज़ारा है, ये हिल्स देख रहे हैं छत से ये व्यू। हाँ तो भैया का रूम मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको दिखाया नहीं कल से। ये देखो साइज़ देखो खाली इसका, और भैया इतना नीट एंड क्लीन है ना भाई, इतना नीट एंड क्लीन है। ये सोफ़ा एकदम साफ़, ये वाला एकदम साफ़ था, मैं आके ये वाला पोर्शन गंदा कर दिया, यहाँ पे खुला छोड़ दिया इसको। ये अपना है, ये रेडी हो रहा है, ये एक चेयर है जो भी परफेक्टली एडजस्टेड है, ये पिलो परफेक्टली एडजस्टेड है। यहाँ पे देखो भैया का बिस्तर साफ सुथरा भाई, और ये छोटा सा वर्किंग डेस्क, मैं अपने आप को नहीं दिखा रहा क्योंकि खुले बदन में घूम रहा हूँ, एकदम साफ। एक छोटू सा फ्रिज, और यहाँ पे जगह खाली, और ये किचन है, देखा भाई कितना साफ है। ये है वॉशरूम भैया, अंदर है। ये इतना प्यार मांगती है, इसकी मम्मी आके मेरे को डांट रही है, क्यों हाथ लगा रहे हो भाई, ऑफिस के लिए लेट हो रहे, बाय बाय। क्या गाड़ी बाहर, ये गाड़ी पहचान रहे हैं, अपना टर्बो वाला है। ये पता है आने से एक दिन पहले ये चेंज किया, ये मतलब ये जो कवर है और ये स्ट्रैप, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और अभी हम दोनों चल रहे ऑफिस की ओर, अपना गाड़ी उठाएंगे, भैया को वही बोल रहा था कि अपने गाड़ी में बैठने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब उसका एक्साइटमेंट अलग ही लगता है। ये उठा लिया आते ही गाड़ी में पहले।
अपन निकल गए हैं टाटा का ऑफिस से अपनी गाड़ी में बहुत दिन बाद, मतलब 24 घंटा बाद। तो अभी जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग था इस ट्रिप का, वो वाला मीटिंग अटेंड करने के लिए। वो अटेंड करके फिर हम दोनों फिर से एक बार साथ में आएंगे, लंच वंच जो भी करना है करेंगे, उसके बाद अपन घर के लिए निकल जाएंगे। तो हम मॉल में आए थे, सब काम खत्म करने के बाद भैया को भी बुला लिए थे, तो हम दोनों मिलके अभी लंच किए, थोड़ा बहुत थोड़ा गेम वेम खेले, और उसके बाद अभी टाइम है निकल जाने का एंड सीधा जाएंगे कोलकाता। पहले बिल पेमेंट करते हैं, उसके बाद ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। भैया गए हैं अपना गाड़ी लाने के लिए एंड अभी हम वेट कर रहे हैं गेट के बाहर, मेन गेट के बाहर। जैसे ही वो आते हैं वो हमको एग्जिट तक छोड़ देंगे, सिटी एग्जिट तक, क्योंकि यहाँ पे दो एग्जिट है, एक में बाजार, पूरा भरपूर बाजार है, वहाँ पे अगर घुस गए तो तुम गए बेटा, तुम गए। और एक है आपको डायरेक्टली बैक साइड से निकाल देगा, तो हम वो वाला रास्ते के लिए हैं। ये देखो वेंटो आ रहा है, क्या लग रहा है वेंटो, अरे वाह खतरनाक। चलो पहचानते हैं इस गाड़ी को, आपने शायद बहुत देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज में, वहाँ पे ये गाड़ी बहुत फेमस है। ये मेरा पहला कस्टमर था एक्चुअली, लक्ष्मी जिसको बोलते हैं ना, ये अपना लक्ष्मी था। ओह भैया क्या भगा रहा है, क्या भगा रहा है, मैं चला नहीं पा रहा भाई, 110 120 मार रहा है सिटी के रिंग रोड में, फुल मूड में आ गया भैया, फुल मूड में आ गया। सो भैया को यहाँ से करते हैं सी ऑफ, हमको जाना है लेफ्ट। दादा देखा व्यवहार। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जर्नी यहाँ से सीधा कलकत्ता के लिए। डिस्टेंस अपना होगा अप्रोक्सीमेटली, अरे भैया डिस्टेंस अपना होगा अप्रोक्सीमेटली 270-280 किलोमीटर, जो कि लगने वाला है हमको 5 घंटे के आसपास। गूगल तो कल भी दिखाया था मेरे को 5 घंटा, लेकिन मैं आ गया था यहाँ पे 4 घंटे में। अरे वाह अरे वाह, वो पहाड़ के ऊपर पूरा फॉग ही फॉग है, यहाँ से आप व्यू क्या लग रहा है भाई। हमको दिखा रहा है 5 घंटा 47 मिनट, ईटी 8:20, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं, मैं 8 बजे के अंदर घुसा दूंगा तुमको। ट्रेन पकड़ना है पकड़ लो, कोलकाता 289। चलो भगवान का नाम लेते हुए जय बजरंग बली, रक्षा करना। फ्यूल अप कर लेते हैं यहाँ से, अभी आधा टंकी है, कोलकाता पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना है भाई, पूरा भर दो भैया। सो ये अपन जस्ट राइट टर्न लिए और जमशेदपुर सिटी को यहाँ से बाईपास करते हुए हम लोग आ गए हैं हाईवे पे, और यह है NH-18 जो कि हमको लेके जाएगा खड़गपुर वहां तक। सो ये है कुछ आज का नज़ारा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना मैं खिड़की खोल के चला हूँ, क्योंकि ये जो ठंड नहीं बोलेंगे, ये जो हवा है ना, हवा में मिस्ट है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है आज, सही में ये हवा आज बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का आसमान का कलर देखो यार कितना अमेजिंग है, पूरा काला, सामने पूरा काला दिख रहा है, कुछ लाइट है नहीं। आप यहाँ से देखो दिख रहा है, खाली कलर देखो आसमान का। सामने यहाँ पे ये ट्रक वाला लगा दिया है डिजायर में, अभी चल रहा है कलेश, और यहाँ पे पूरा रास्ता हो गया जाम, पता नहीं यार क्या करते लोग। कल जिसका इंतजार था वो तो आया नहीं, अभी बारिश आ गया है जोर से, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, उल्टा साइड से जो जो गाड़ी आ रहा है उस साइड से सब डबल इंडिकेटर जला के ही आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इधर बारिश घुस रहा है लेकिन उधर उस साइड में भाई जम के हो रहा है। वो देखो वो एक गाड़ी आ रहा है इंडिकेटर जला के, हैरियर है, इसका मतलब ये है कि उधर विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए उधर से आदमी लोग ये डबल इंडिकेटर जला के ही आ रहे हैं। देखते हैं कितना जोर का आता है, जितना जोर का आएगा उतना मज़ा है भाई,
गाड़ी गंदा करने में मेरे को जो मजा आता है ना, जो मजा आता है क्या बोले। जो भी अपना वीडियो देख रहा है, मैं कल भी ये चीज मेंशन किया था, मेरा गाड़ी का स्पीड देखो पहले कितने में, 80 में है और सामने देखो पूरा खाली हाईवे। ये ग्लास कोटिंग किया हुआ है ग्लास पे, ग्लास सेरेमिक कोटिंग। तो मैं भाई 80 के स्पीड पे ये बारिश की कंडीशन में मेरे को वाइपर चलाने का दरकार ही नहीं हो रहा यार। सही में ये चीज इतने काम का है, इतने काम का है ना, ये देखो। लेकिन पीछे वाइपर चल रहा है मेरा, आप मानोगे नहीं, पीछे देखते रहो, पीछे वाइपर चल रहा है, वो लाइन दिख रहा है वाइपर वाला, देखा पीछे वाइपर, सामने वाइपर ही चलाने का दरकार नहीं पड़े। ये चीज इतना सही है ना, हर एक व्यक्ति को रिकमेंडेड है कि आके ग्लास कोटिंग जो है वो करवा के जाइए, आपको सही में पता चलेगा ये चीज का फायदा क्या है। आज के दिन का पहला टोल दिया अभी, जस्ट अभी दिया ये वाले टोल में, और थोड़ा बाहर निकले हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग थोड़ा नेसेसरी था, पैर फेर पकड़ लिया भाई, चश्मा खोल के नीचे उतरे हैं ताकि चश्मा गंदा ना हो जाए भाई, तगड़ा बारिश हो रहा है। ए भाई नहीं रुक सकते यहाँ पे, गाड़ी तो एकदम चौचक है भाई, इतना रेन मिला फिर भी एकदम साफ सुथरा, फोन गया पूरा गीला हो। दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे मिलके भी हम मिलते नहीं, पल भर में जाने क्या होगा। ये है अपने दिन का दूसरा टोल, और टोल से पहले झोपी जैसा सब दुकान मिला था, तो मैं सोचा एक बार रुक के स्ट्रेच कर लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब रुका था तब इतना जोर का बारिश हो रहा था तो उतर ही नहीं पाया भाई, उतरा फिर भाग के अंदर आ गया, क्या फायदा ऐसे जिंदगी का। अरे यार बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चश्मा भीग जाएगा मेरा। अरे भैया सोचे यहाँ पे बैठ के थोड़ा ये कर ले, अपना स्टेटस दे दे, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, मतलब अपने फ़ोन में तो दिखा रहा है कि वाईफाई कनेक्टेड है इस फ़ोन से, लेकिन इस फ़ोन में इंटरनेट ही नहीं है भैया। चलो आगे टोल देते हैं और सीधा आगे रख ले। अकेले अकेले मस्ती करते करते भाई बहुत दूर आ गया मैं, लिटरली बहुत दूर आ गया। अभी डिस्टेंस खाली बचा हुआ है 163 और अभी बज रहा है 4:35। वहां से मैं निकला था शायद 3 बजे के आसपास, मतलब 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर का वर्क ऑलरेडी कर दिया, 220-230 के आसपास है। तो जैसा कि लग रहा है ईटीए मेरे को दिखाया रात के 8:10, वो कम हो के अभी 8:01 था जब मैं निकला था, वो दिखा रहा था 8:40। ईटीए कम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो 6 बजे के अंदर शायद हम पहुँच जाएंगे, इतना स्पीड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं 100 में चलाऊ, 100 में, 90 में, 110 में, ऐसा लग रहा है कि साइकिल चला रहा हूँ भाई, रास्ता इतना अमेजिंग है सीरियसली यार। ऑलरेडी झारखंड क्रॉस कर वेस्ट बंगाल घुस गया हूँ, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेच जस्ट अमेजिंग है, अमेजिंग। बगल वाला रास्ता देखिए पूरा नदी बन गया, ये हमारे वाला लेन था, यहाँ पे कटिंग करके अब पानी निकाल रहा है सब साइड में, और ये वाला डबल लेन करके ये नदी के अंदर से हम जा रहे हैं। बताइए क्या हालत है, अंडरपास डूब गया भाई क्या हाल है भाई, बारिश में एक बार बारिश हुआ सब डूब गया। भैया फाइनली पहुँच गया है खड़गपुर जंक्शन में, और अभी यहाँ से हमको जाना है फिर आइलैंड घूम के सीधा डायना जाएंगे तो खड़गपुर सिटी घुस जाएंगे। तो यहाँ पे तो भैया केस देने में व्यस्त है, इस ट्रक को पकड़ लिया। अरे सिग्नल खुला है भैया, जाओ यार। तो आज का छठा ब्रेक के लिए हम रेडी हो गए हैं भाई, पैर फैर पूरा सुन हो गया मेरा, सुन क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है देखो, गाड़ी सफ़ेद के सफ़ेद। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है यार, सेरेमिक में भाई सच में दम है, सच में दम है। ब
बालों का हालत देखे क्या हो गया। अरे सोचा था भाई आने से पहले एक दिन, मतलब एक दिन पहले मैंने कि उस दिन रात को थोड़ा छटवा ले, लेकिन यार सलून वाला बोलता है रात को 10:30 के बाद आइए, तब तक तो मैं सो गया होता। तो रेस्ट तो ले लिया है, थोड़ा फोटोग्राफ ले लेते हैं, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया होगा। हल्दिया वाला रास्ता चला गया बाएं और हम लोग जाएंगे सीधा कूला घाट, और नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉप होगा अपना एक्सप्रेस इन ढाबा। वहाँ पे जाके थोड़ा यू नो खाली वाली करना है, टंकी वगैरह, तो वो सब करके शायद कुछ छोटा सा कुछ खाएंगे, क्योंकि लग गया है जोर का भूख भाई। उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर। ये आ गया हम कूला घाट के आसपास। ये सब लेना है, पर्स भूल गया तो नहीं चलेगा, रुमाल भूल गया तो नहीं चलेगा। ये भाई बहुत दिन बाद आ रहा हूँ फिर से एक्सप्रेस पे, चलते हैं टॉयलेट, टंकी खाली करना है भाई, प्रेशर आ रहा है हल्का हल्का। भाई बगल में देखो कौन खड़ा है, डिफेंडर, वो भी पीपीएफ किया हुआ, ठीक है पीपीएफ किया हुआ, इसमें देख के हम बता देंगे। सही है, बढ़िया है। एक तो चिप्स लेना था मेरे को, दो दो काले बीस्ट के बीच में क्यूटी खड़ा है, क्यूटी। सामने एक स्कॉर्पियो जा रहा है भाई, उड़ाते हुए धूल, ऐसा लग रहा है मेरे सामने तूफान चल रहा है भाई, तूफान। वैसे बारिश हो रहा है तेज, और ये भाई चला रहा है 140-160 में, हम जा रहे थे 120 में, मेरा आ गया 80-90-100 पे। भैया का क्रेज देख रहे हो, भोकाल कम नहीं होना चाहिए भाई स्कॉर्पियो वालों का। बड़े बड़े वैली पाके घूमे जे बांच, जांदा ना ध्यान मेरी हां पंजे बांच। भाई इतना खिच्चम खिच्ची, ये फॉर्चुनर देख रहे हो, लाइट दिख रहा है। ये हम पहुंच गए हैं रानीहाटी क्रॉसिंग में, और ये फॉर्चुनर से अपन खिच्चम खिच्ची करते करते 160 तक पहुंच गए थे, अचानक देखे भाई रानीहाटी पहुंच गए हम। तो अभी पहुंच जाएंगे घर, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं पूरा लाल, पूरा खून खून हो चुका है यहाँ पे। ये आ गया अपना घर का टोल, बोले तो डानकुनी वाला टोल। ये क्रॉस करने के बाद ही अपन समझ सकते हैं कि अपन घर घुस गए वापस, ठीक है, अच्छा रहा, बढ़िया रहा। क्या करें, घर तो वापस आना ही है। हालत देख रहे हो भाई, हालत देख रहे हो, लास्ट 10 मिनट से अभी यही मारामारी चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है +7 मिनट्स, ये देखो +7 मिनट्स, 10 मिनट 7 मिनट ऐसे करके, मतलब कंजेशन है। एक बार रुक रहे तो सीधा 10 मिनट 15 मिनट के लिए रुक जा रहे, ये देखो वो फॉर्चुनर अभी भी मेरे साथ है क्या बताए। जो भी है, बायां चले जा रहे हैं शांतरागाछी, और सीधा जाएंगे हम एयरपोर्ट की तरफ। कोलकाता तो बहुत, मतलब कोलकाता के पास तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो एंट्री करने से पहले ट्रैफिक होता है ना, ये जान खा लेता है पूरा, क्या करें, इसको वैसे ही काट के ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना अलग से। क्या बात, मेरा गीत अमर कर दो। चीज दिखाऊं, ये देखो अपने गाड़ी को मैं कचरा कर दिया, लेकिन बाहर नहीं फेंका। जो भी है भाई, बाहर गंदा मत करो। क्यों भाई, अपने गाड़ी में ही डाल दो, एक तो बीन लेके डाल दो, एक पैकेट में डाल दो, फालतू तो बाहर कचरा करने क्या फायदा। सामने छोड़ दिया, निकलते हैं। ये फेमस गोल चक्कर में चलाने का मजा ही अलग है भाई। ये घुस गया, मतलब घर घुस गया, बताइए। ओफ, अलग ही फन है भाई, लगता है रोलर कोस्टर में बैठा हूँ, लेकिन रोलर कोस्टर सबसे मजे की बात की है, सबसे मजे की बात यह है कि रोलर कोस्टर मैं खुद ही चला रहा हूँ, ये सबसे मजे वाला बात है। लो पहुंच गए घर, टाटा बाय बाय, और दिखाने का कुछ नहीं है। लो फॉर्च्यूनर फिर आ गया, और उधर एक ब्लैक फॉर्च्यूनर, दो भाई मिलके, मतलब तीन भाई मिलके जो आए है ना कोलकाता, जो वापस आए है ना, ये ब्लैक वाला और वो वाइट वाला,
बहुत मस्ती किए हैं हम तीन मिलके, तीन और एक स्कॉर्पियो वाला भाई भी था लेकिन वो पीछे छूट गया बेचारा, कहाँ चला गया पता नहीं। हालत देख रहे हो, पुलिस का हालत कहीं नहीं था, यहाँ पे सब हम लोग खड़े हुए थे, उल्टा साइड से आके सीधा बीच में घुस गया और सबको बोल रहा है हटो 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 हमको जाना है, ये है हालत। क्या स्वागत किया है भगवान ने अपन को, मतलब अपने को। हम सिटी घुस रहे हैं और बारिश चालू, मेरा सीरियसली बोल रहा है कैमरा उठाने का मन नहीं था, मतलब मन में शरीर मन में मतलब तो क्या क्या उल्टा सीधा बक रहा हूँ, देखा शरीर नहीं है कैमरा उठाने का, और ये ना दिखा के मैं रह नहीं पाया, ठीक है ना। तो घर में पहुंच गया हूँ, ये अपना घर, और ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, हो गया हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड ऑल्सो। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मानसून का मज़ा दीजिए उनको भी, और उनको इंस्पायर करिए, और आप खुद भी इंस्पायर्ड होइए मानसून ड्राइव पे निकलने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, जो कि होने वाला है एक और रोड ट्रिप वही दिशा में लेकिन अलग जगह। चलिए बाय।